बैंडेड क्वीन के नाम से मशहूर फूलन देवी को भला कौन भूल सकता है। फूलन देवी का नाम आते ही बहमई नरसंहार कांड भी लोगों की जुबा पर आ ही जाता है। बहमई कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सोमवार को 38 साल बाद उसी बहमई नरसंहार कांड पर फैसला आ रहा है। फैसले से पहले जानिए बहमई नरसंहार कांड की वो पूरी कहानी जिस कांड ने फूलन को बैंडेड क्वीन बना दिया। साल 1981 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में हुआ नरसंहार, बहमई नरसंहार कांड पर 39 साल बाद फैसला आने वाला है। अब सोमवार को कानपुर का ट्रायल कोर्ट फैसला सुनाने जा रहा है। इस मामले में आरोप है कि डकैत से सांसद बनी फूलन देवी ने 14 फरवरी 1981 को 20 लोगों को एक साथ एक लाइन में खड़ा कर गोलियों से भून डाला था। बहमई कांड ने फूलन को बैंडेड क्वीन बना दिया। फूलन के पिता की दरअसल 40 बीघा जमीन पर चाचा ने कब्जा कर लिया था। 11 साल की उम्र में फूलन ने चाचा से जमीन मांगी तो चाचा ने फूलन पर डकैती का केस दर्ज करा दिया। फिर क्या था, फूलन को जेल हो गई। वो जेल से छूटी तो डकैतों के संपर्क में आ गई। फूलन देवी को उस समय भिंड के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी ने सरेंडर के लिए तैयार भी किया था, लेकिन सरेंडर के बाद भी एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी को फूलन देवी को रिहा करना पड़ा। चलिए बताते हैं आपको कि बैंडेड क्यून और फूलन देवी और बहमई कांड की पूरी कहानी। आरोप है कि फूलन देवी ने यह नरसंहार अपने साथ हुए गैंग रेप का बदला लेने के लिए किया। कब तक उम्मीद है उसमें फैसला आने की? नए वर्ष में हम लोग इसका प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी की स्थिति यह है कि दोनों पक्षों की बहस पूर्ण हो गई है और 6 जनवरी की तिथि न्यायालय ने नियत की है निर्णय के लिए, तो हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि नियत तिथि पर कोई ना कोई निर्णय न्यायालय का आएगा। 1981 का वो दिन था जब ग्राम बहमई में 4 डकैत गिरोहों ने मिलकर के 35-36 लोगों ने डकैतों ने पूरे गांव में लूटपाट की और जितने भी मेल मेंबर परिवारों में मिले उन सबको एक जगह एकत्र करके कुल 26 लोगों को एक लाइन में खड़ा करके गोली से शूट आउट किया। वो शूट आउट होने में 20 लोग मौके पे ही मारे गए थे, 6 गंभीर रूप से घायल हुए थे, तो बड़ा गंभीर मामला था उस समय। फूलन ने 13 फरवरी 1983 को भिंड में सरेंडर किया था, लेकिन इस सरेंडर के लिए फूलन 1982 के अक्टूबर महीने में ही तैयार हो चुकी थी। उस समय भिंड के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी थे। फूलन अक्टूबर 1982 को भिंड के उमरी गांव के पास आ गई थी। उमरी में भिंड पुलिस ने एक शांति कैंप तैयार किया था। इस कैंप में उन डकैतों को रखा जाता जो सरेंडर करते थे। फूलन के सरेंडर के लिए उस समय के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह तक आए थे। सरेंडर के बाद भी वो एमपी की ही जेल में रही। कहा जाता है कि जब फूलन महज 17 साल की थी तब उन्हीं के गांव के लाला राम और श्री राम ने अपने 20 साथियों सहित फूलन के साथ कई दिनों तक गैंगरेप किया और फूलन को निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया, जिसके बाद फूलन ने अपने शोषण का बदला लेने के लिए इस नरसंहार को अंजाम दिया। इस नरसंहार ने देश दुनिया में तहलका मचा दिया। इसके बाद पुलिस ने डकैतों के खिलाफ अभियान चलाया और चंबल से डकैतों का सफाया किया गया। कई सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन इस मामले का निपटारा नहीं हो सका। आखिर क्यों? इस केस में 39 साल लगे, वो भी आपको बताते हैं। 14 फरवरी 1981 को मुकदमा दर्ज हुआ। घटना के बाद बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई। एनकाउंटर हुए, कई डकैत ऐसे गिरफ्तार हुए, शिनाख्त करवाई गई,
शिनाख्त के आधार पर एक के बाद एक आरोप पत्र दाखिल होते रहे। उसमें कई साल का लंबा वक्त बीता। अगस्त 2012 में 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हो गए और तब तक 33 साल बीत चुके थे। बहरहाल महमई हत्याकांड में मारे गए परिजन पिछले 39 साल से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने नरसंहार की एफआईआर में फूलन देवी, लल्लू गैंग और अवतार मुस्तकीम और 36 अन्य डकैतों को आरोपी बनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV।